बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाएंगे ओरिगेनो। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे हम लोग, और ये दो पुदीना है, दो पुदीना, और ये बाकी सारा हमारा बगदोनेस यानी कि पार्सली लिप्स। ठीक है, ये सब पार्सली लिप्स है, इतना सारा पार्सली लिप्स है। ये सारे को हम लोग चॉप करना है, चॉप करके इसको अच्छे से धो के इसका पानी निकाल देना है। तो हम लोग राइस को जो भिगाए थे, राइस को धो के छान के रख दिए क्योंकि इसका पानी निकलना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग ने ऑनियन अभी इसको पेस्ट करेगा, पेस्ट करेगा इसको। ऑनियन लिया है और गार्लिक लिया है। ऑनियन हम लोग ने 300 ग्राम, गार्लिक 50 ग्राम्स, टमाटो 300 ग्राम। इसको हम लोग पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में आगे का रेसिपी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारा एक कंपनी का है, अमेरिकन गार्डन का ग्रेप स्लिप्स है। ठीक है, ये हमारा है, देख सकते हैं ये एक पीस है। तो ये हमारा ओरिगेनो का मशीन है, आप देख सकते हैं ये हमारा मशीन है, इसमें हम बनाएंगे। और ये देख लो, हम टमाटर चॉप करके रखे हैं, और जो आपको बताए थे कोरिएंडर और स्प्रिंग ऑनियन और फैसली, ये हम लोग चॉप करके धो के रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो ऑनियन टमाटो गार्लिक पेस्ट है, और ये चावल है, राइस, ये ऑलिव्स ऑयल है, और ये जीरा पाउडर है, ये सॉल्ट है, ये लेमन सॉल्ट है, लेमन सॉल्ट है, ये दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन स्टिक पाउडर है, ये हम लोग का धनिया पाउडर है, ये हम लोग का ब्लैक पेपर पाउडर है। तो इतना अभी मसाला इसमें चावल में मिलेगा, और चावल में मिलने के बाद में फिर एक रोल होगा पत्ते में, फिर आगे का प्रोसेस आप देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला पूरा अच्छे से, ऑलिव ऑयल। तो ये हमारा चावल में ये सारा पत्ता हम लोग डाल चुके हैं, और ये टमाटो चॉप भी हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये हम बताना भूल गए थे, तो ये जो पेमेग्रेंट सीमेंट्स है, तो इसको रुमान बोलते हैं, रुमान सॉस बोलते हैं, जो अनार का सॉस होता है, ये भी इसमें पड़ेगा। आप देख सकते हैं हम लोग ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, और ये हमारा जो जितना मसाला था आप देख सकते हैं सब इसमें डाल देते हैं। और हमारा ये सॉस डाल देते हैं, और ये हमारा लेमन जूस था, ये दो लेमन का जूस है। अभी हम लोग इसमें लेमन का जूस थोड़ा डाल रहे हैं, और जो हम पेस्ट किए थे ये पेस्ट इसको डाल रहे हैं। तो ये सारे को हम लोग अभी मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये पूरा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा जो चावल है ओरिगेनो का हम लोग मिक्स कर दिए। इसमें हम लोग 50 ग्राम एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल डाले हैं, और सॉल्ट थोड़ा डाले हैं, मुमकिन 10 ग्राम सॉल्ट डाले हैं बस। इसमें अभी हमारा चावल ऑलरेडी रेडी हो गया है, अब ये रोल के लिए तैयार है, अब हम इसमें रोल करेंगे। ये हमारा पत्ता रेडी है, चावल रेडी है,
और ये मशीन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें बना के रखेंगे, आप देख सकते हैं और वहाँ पर ज़रा होल है, वहाँ पर देखो चावल डाल रहे हैं जो मशीन है। आप जब मशीन देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह हम लोग चावल 1 टेबल स्पून डालना है और उसके बाद में इसको करना, ज़्यादा डालेंगे तो मोटा हो जाएगा और जब पत्थर ख़राब रहेगा तो अच्छा पत्थर डालना, ख़राब पत्थर डालेंगे तो फट जाएगा, फिर अंदर में बॉईल के टाइम में राइस बाहर आएगा। तो इस तरह आप क्या मालूम है, कभी भी पत्ता अच्छा होना चाहिए और राइस 1 टेबल स्पून के हिसाब से पूरा बनाओगे तो हर साइज का आएगा एक ही टाइप का देखने में। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा भी हम लोग ने बना रहा है और ये दूसरा भी उसी तरह जैसा आप बना रहे हैं। तो इस तरह सारे पत्ते, जितना भी पत्ता है सारे पत्ते का इसी तरह चावल डाल के पूरा बना लेना है। तो उसके बाद में आगे का प्रोसेस आप देखेंगे हम लोग किस तरह से इसको सेटिंग करते हैं और पानी किस तरह रखते हैं। इस तरह पूरा हमारा देख सकते हैं कि पूरा हम लोग बना के रेडी कर दिया है। अब हम लोग इंशाल्लाह हांडी में जो साइज करके कैसा रखना वो आपको ज़रूर दिखाएंगे अभी, और कैसा रखते हैं वो दिखना आपको। शुक्रिया। देख सकते हैं हमने एक स्टील का हंडी ले लिया है, और स्टील का हंडी कोई भी हंडी लो, आजकल ओरिजिनल का भी हंडी मिल रहा है, तो उसके ऊपर का जो ढक्कन आप डालोगे ना उसको दबाने के लिए वो पहले माफ़ कर लेना, प्लेट हो ढक्कन हो जो भी हो। तो हम लोग ने आलू को सफाई कर लिया है, सफाई करने के बाद में पूरा इस तरह आलू को कट करके पूरा राउंड करना है हम लोग को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा हम लोग आलू लगा दिए। अब हम ओरिगेनो को हम लोग लेके पूरा इसी तरह राउंड राउंड रख रख के पूरा राउंड रखना है हम लोग को, और उसके बाद में पूरा राउंड रखने के बाद में अच्छे से जो भी तुम्हारा यानी कि रोल, जब भी जो चावल जो ग्रेप पत्ता में रोल है लूज है तो उसको ज़रा हाथ में टाइट कर देना, ठीक है। तो इस सारे को क्या मालूम है रख देना है, रखने के बाद में पूरा अच्छे से रख के करना है। उसके बाद में वाटर जो लेमन और सॉल्ट वगैरह वाटर मिला के उसके बाद में कल सुबह इंशाल्लाह इसको फिर चढ़ाएंगे, तब बाद में ऑलिव ऑयल दिखाएंगे कितना सॉल्ट वगैरह डालते। थोड़ा ऑलिव ऑयल हम लोग डालेंगे, 100 ग्राम ऑलिव ऑयल और 100 ग्राम डालेंगे, और ये हमारा 4 नींबू का जूस है, ये सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, और ये लेमन सॉल्ट है 1 टेबल स्पून। अब देख सकते हैं कि क्योंकि आपको पता चल गया नहीं कि सॉल्ट है या लेमन सॉल्ट, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये सॉल्ट है, लेमन सॉल्ट है 1 टेबल स्पून। और अभी हम लोग ये पानी में सारा डालेंगे। इस पानी में डाल के अच्छे से तेल में ऑलिव ऑयल और लेमन जूस भी इसी में डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जब आपको लग रहा है कि हमारे इसमें स्पाइसी मसाला कम है जो पत्ते के इस मसाले में, तो आप इसमें पेपर ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसलिए आपको एक आइडिया दिया एडवाइस में। तो हम लोग इसको मिक्स कर देंगे और वो हंडी जो हम लोग का है वो हंडी में हम लोग पूरा अच्छे से रख देंगे, रख एक पानी डाल देंगे, डालने के बाद में उसको अच्छे से बैठा के आग में लगा देंगे। देखो हम लोग ने बैठा दिया इसमें, और इसको आग लगा हुआ है ऑलरेडी, लगा दिया हम लोग ने, और ऊपर देखो पानी थोड़ा छोटे हंडी में भर के वो जो प्लेट था ना लाल वाला प्लेट उसमें रख के छोटे हंडी के ऊपर में पानी रख के वो पानी सारा डाल दिए जो हम लोग घोले थे। तो उसके बाद में इसको ज़रा से अभी आग जब फूटेगा ना तो फिर इसको हम लोग स्लो कर देंगे, कम से कम 4 आवर्स कुकिंग करेंगे, 3 यानी कि 4 आवर्स बहुत अच्छा पत्ता चावल सब अच्छे से पक जाएगा, लेकिन धीरे आग से, ज़्यादा आग से करोगे तो चावल पूरा निकल जाएगा पत्ता फट जाएगा, तो ये कभी भी ध्यान रखना।
आप देख सकते हैं कि हमारे पानी में उगाल आ चुका है और हमने आग को स्लो कर दिए हैं। ठीक है, तो ये अभी आग पहले हम लोग इसलिए चाय फर्स्ट रखे थे आग, क्योंकि हमको उगाल आना चाहिए था, ये उगाल आ गया, अब हम इसको स्लो कर दिए और आप देख सकते हैं ये अभी कंटिन्यू पकेगा 4 आवर्स तक। 4 आवर्स के बाद में रेडी हो जाएगा, आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस तरह फूलों का चाहिए। अब हम लोग इसको 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है ऑलरेडी, 1 घंटे से कुकिंग इस तरह हो रहा है। पहले छोड़ दिया एकदम ज़्यादा आग था, अभी हम तो हम लोग अभी आग बंद कर लेंगे और इसको पानी छान के इसको निकाल के तो आप देख सकते हैं कि हमारा ठंडा हो गया था, तो हम लोग ने वो हंडी ऊपर से निकाल के अभी इसमें पानी डाले, पानी निकाल दिया और एक प्लेट देखो अंदर था, प्लेट अभी निकालेंगे उसको, उसके बाद में हमारा ओरिगिनो का रेडी हो गया ऑलरेडी, उसके बाद में निकाल के फिर प्लेट में हम लोग उसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह प्लेट को निकाल देना है, इस तरह निकाल देना है। अब हमारा इसके अंदर में यानी ग्रेप्स रोल्स, स्टॉफिंग पत्ता, राइस, जो भी बोल सकते हैं, हर जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन अदब में ओरेगानम पुकारते हैं, ओरेगानम। तो ये हमारा देखो हो गया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं मैंने पत्ता ऊपर से डाल दिया था इसलिए कि उसका कोई पानी का गंदगी मच जाए और खुले ना, तो हमारा पूरा ऑलरेडी हो गया है, पूरा एकदम ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं पूरे चावल वगैरह सब रेडी हो गया है। तो आगे हम लोग अभी प्लेट में निकालेंगे इसको।